दोस्तों यदि आप YouTube पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो एक्टिव रहने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में इस तरह के कमेंट्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि कमेंट्स कैसे क्रिएट होती है। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट ऐसे क्रिएट होती है, जो हमारी इमेज जो होती है उसको हम डॉट फाइल में चेंज कर लेते हैं, और डॉट फाइल में चेंज करने के बाद क्या होता है, हमारी जो इमेज थी ना वो टेक्स्ट में बदल जाती है, टेक्स्ट को हम कॉपी करके कमेंट्स में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इस तरीके से हमारा जो इंटरफेस आ जाता है उसको हम कमेंट्स में पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे क्रिएट होती है ये हमको नहीं पता होता। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे इनको क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद आप भी अपनी इमेज को किसी भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या कोई भी इमेज है उसकी डॉट वाली इमेज बना के आप किसी भी कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉइड फोन में कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कैसे आपको ये फाइल क्रिएट करनी है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं फोन की स्क्रीन पर, अब क्या करते हैं पहले जाते हैं प्ले स्टोर में, आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पिक्स आर्ट, क्योंकि इमेज का हमको साइज छोटा करना होता है, और भी किसी ऐप से कर सकते हैं आपकी मर्जी है, मैं तो पिक्स आर्ट का यूज करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इमेज का साइज है बहुत छोटा करना है, और कितना छोटा करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर क्या करना है आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपको जो आप जो भी इमेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ ये वाली ले लेता हूँ, ये कैमराटी की, ठीक है, उसके बाद इसको कैंसिल कर देना। कैमराटी की लेने के बाद अब यहाँ पे जाना आपको टूल्स पे, उसके बाद जाना रिसाइज पे, और वैसे आप क्रॉप करना चाहे तो इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करने के बाद जो भी आपको सेटिंग करनी है सब कर सकते हैं, उसके बाद जाना टूल्स पे फिर रिसाइज पे, इसका जो साइज़ है वो छोटा करना है बस हमको, वो साइज़ कितना करना है, इसकी जो वाइट है वो क्या करनी है 50 कर देनी है, और जो हाइट है वो अपने आप सेट हो जाएगी, उसके बाद रिसाइज पे हमें क्लिक कर देना है। इमेज को जिस टाइप की दिखाई देगी जो कि बहुत छोटी हो चुकी है, उसके बाद क्या करना है हमको सेव कर देना है, यहाँ पे सेव्ड टू योर फोटो गैलरी, हमारी जो इमेज है फोटो गैलरी में सेव हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है हमको किसी भी ब्राउजर में जाना है, और वहाँ पे हमको क्या सर्च करना है, इमेज टू डॉट्स, देख लीजिए यहाँ पे इमेज टू डॉट्स सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ ऊपर देखिए एक आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इसका नाम है lovevgitub.oi, आप देख सकते हैं जो भी वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है, इसके लिंक मैं वैसे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद अब क्या करना है यहाँ पे जाना है चूज फाइल पे जाना है, उसके बाद फाइल्स पे, जो भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी फाइल कौन सी है, जो मैंने छोटी की है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 GB की है, ये वाली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इमेज टू डॉट्स का, उस पर हमको क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है बनकर तैयार हो चुकी है, आप चाहे तो यहाँ पे और भी डॉट लगा दे सकते हैं अपने पास से, अगर आपको कुछ भी लिखना भी है ना तो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखना चाहें यहाँ पे कैसे हैं आप लोग, ठीक है, तो भी हम यहाँ लिख सकते हैं, इमोजी वगैरह जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है हमको, इसको कॉपी करना है, सेलेक्ट ऑल कॉपी, और जहाँ भी हम पेस्ट करना चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या तो किसी कमेंट में, जैसे मैं कोई भी एक यूट्यूब पर चले जाता हूँ और एक कमेंट, एक ये मनोज देगा मेड सेटअप, ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद जाता हूँ इसके कमेंट्स में और यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सेंड कर देंगे तो इस तरीके की हमारी इमेज दिखाई देगी। ये इमेज कटी हुई क्यों दिखाई दे रही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने जो कैसे आप लोगों ने ना ये सही से एडजस्ट नहीं हो पाया है, अगर हम ऐसे ही पेस्ट करने लगे इसको उठा के सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करके अगर ऐसे ही रखेंगे ना, तो दोबारा से मैं दूसरे कमेंट करता हूँ तो इतना अंतर हो जाएगा इस कमेंट में, देखिए आप, तो ये जो लग रही है ये वाली ओरिजिनल सी, ये वाली बेकार से लग रही है क्योंकि हमने कैसे आप लोग इसमें जोड़ दिया था। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, और आप कोई भी और अदर इमेज लेना चाहते हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है इमेज का साइज़ है वो छोटा हो जाना चाहिए बस, छोटा साइज होने के बाद आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपको लग रहा है कि डॉट्स इसमें कम है और ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो आप क्या करेंगे, आप ब्राइटनेस को इसको कम कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर इमेज टू डॉट्स पर फिर दोबारा क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं जो डॉट्स थे हमारे बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं ब्राइटनेस बढ़ाने इसकी तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, उसके बाद कर देना है इमेज टू डॉट्स पर क्लिक, ठीक है, इसके वाइथ और हाइट आपको नहीं छेड़नी है, उसको यूँ ही रहने देना है। उसके बाद चाहे तो आप डॉट्स एडिटर पर क्लिक करके डॉट अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, डॉट पर ऐसे रख के बिंदी, अगर आपको लगता है कि बिंदियाँ कम है बहुत ज़्यादा तो उन्हें आप बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, कि कान नहीं बना हुआ तो कान बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको एक्सपोर्ट कर देना,
ये एक्सपोर्ट होने के बाद इस तरीके से बन चुकी है। तो आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। और आप जाते हैं डॉट्स पे क्लिक करके, अगर आप जाएंगे फुल ब्लॉक्स पे तो फुल ब्लॉक्स पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे इमेज टू ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे। मैं इसको भगा देता हूँ, ये वाली। इस तरीके से हमारी इमेज क्रिएट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि हाफ ब्लॉक्स पे क्लिक करना तो आप हाफ ब्लॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इमेज टू ब्लॉक्स पे जाएंगे तो इस तरीके की हमारी इमेज बन जाएगी। लेकिन जो अच्छी जो लगती है वो डॉट्स वाली लगती है, तो इसलिए मैं डॉट्स वाली यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमारी इमेज जो बन जाएगी। आप किसी भी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ इमेज अच्छे से ना बने, लेकिन कुछ इमेज होती है जो लाइनिंग वाली होती है ना, कैरेक्टर वाली, वो अच्छे से बन जाती है। और यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा इसका साइज कितना है, और यहाँ पे जो कैरेक्टर यूज हुए हैं कितने यूज हैं, 235 कैरेक्टर इसमें यूज हुए हैं। ये डॉट है 235 से ज़्यादा, मुझे नहीं लगता 235 से बहुत सारी लग रही हैं, लेकिन ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी इमेज का, और कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपने कौन सी इमेज क्रिएट की है वो इमेज कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।